नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर राजस्थान जिला दौसा बांदीकुई उपखंड क्षेत्र की है, जहां पर पापड़ा के गांव के समीप जंगल में युवक के संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। लाश की सूचना मिलने पर पुलिस बांदीकुई थाना पुलिस पहुंची है। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम सतीश गुर्जर बताया जा रहा है। सतीश गुर्जर जेसीबी ड्राइवर था। मौके पर बुलाई गई एसएफएल टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। ग्राम पंचायत बूढ़ा खान के ग्राम प्रधान अशोक जायसवाल ने नेवली में किए कारनामे। गांव में मेन रोड पर छोड़ दिया पानी। 50 मीटर दूरी तक भरा है रोड पर पानी, जिसके कारण लोगों के आवागमन में काफी दिक्कतें आ रही है। महिलाएं और बच्चे गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। समस्या के समाधान को लेकर प्रधान के पास गाँव के कुछ लोग गए और बताया। प्रधान ने साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड के चमोली में आई तबाही के बाद रायबरेली के दो नौजवानों से भी संपर्क टूट चुका है। युवकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं प्रशासनिक अमला उत्तराखंड प्रशासन से संपर्क साधकर युवाओं की खोजबीन में जुट चुका है। चमोली में आई तबाही के बाद दोनों भाइयों का परिवार से संपर्क टूट चुका है, जिसके बाद परिवार जन अनहोनी की आशंकाओं के चलते काफी विचलित है। नरेंद्र और अनिल की पत्नी समेत बच्चों व माँ के साथ साथ अन्य परिवार जनों का रो रो कर बुरा हाल है। नरेंद्र के एक बेटा व तीन बेटियां हैं, जबकि अनिल की चार बेटियां हैं, जिनकी जिम्मेदारी उन दोनों के कंधे पर थी। जैसे ही नरेंद्र व अनिल से संपर्क टूटा, तो नरेंद्र की पत्नी चंद्ररेखा सिंह व अनिल की पत्नी सुधा सिंह पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। तो वही बच्चे भी बिलख बिलख कर रो रहे हैं। यह मार्मिक दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी का हृदय द्रवित हो जा रहा है और सभी दोनों के सुरक्षित होने की दुआई कर रही हैं। चमोली त्रासदी के बाद नरेंद्र व अनिल के बड़े भाई ब्रजेंद्र बहादुर सिंह से संपर्क टूट गया है। काफी कोशिशों के बाद भी जब संपर्क नहीं हो पाया, तो उन्होंने हरचंद्रपुर थाना में जाकर सूचित किया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला उत्तराखंड प्रशासन से संपर्क साधकर खोजबीन में जुट गया है। दो युवतियों ने आपस में की शादी। दोनों युवतियों का कहना है दोनों का हुआ है पुनर्जन्म। जन्म पिछले जन्म में थे, पति पत्नी दोनों एक साथ रहकर बिताना चाहते हैं पूरा जीवन। युवती पति ने कहा कि कामकाज करके चलेंगे जीवन। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों युवतियों ने शादी कर खाई जीने मरने की कस्में। दोनों युवतियों के परिवार वाले हुए शादी के खिलाफ। दोनों युवतियों ने परिजनों से परेशान होकर थाने पर लगाई न्याय की गुहार। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र का ये मामला है। आप दोनों ने शादी की है, क्या है मामला, किस तरह से? मतलब हम लोग को घर वालों ने बंद कर दिया था। हम तो छत से कूद के मतलब आए थे फान के, इनको बचाने के लिए, प्रिया सैनिक को। किसके साथ आपने शादी की है? प्रिया सैनिक के साथ। अच्छा, ये कब हुई आपकी शादी? 17 नवंबर को। कहाँ की शादी? बुद्धेश्वर मंदिर में। कहाँ की रहने वाली हैं? दुबग्गा। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा आपको? काफ़ी इसमें मुश्किलों का बहुत सामना करा है। इस समय फैमिली का टॉर्चर भी हुआ है, बहुत ज़्यादा वो सब हुआ है।
समय पर जैसे पहुंच गए यही बहुत है। किसी ने मारा पीटा क्या? जी। कौन परेशान कर रहा है? फैमिली। दोनों की थाने पर हैं, किस तरह की मदद आपने पुलिस से? ये मदद यही चाहते हैं कि मतलब हम लोग अलग रहें चाहते हैं हम दोनों फैमिली, और जो है अगर कुछ भी होता तो हमारी फैमिली इंदर होगी हम लोग की। तो आपके परिवार वालों क्या कहना? हम लोग मान ले उनको इज्जत प्यारी अपने, और इनके परिवार वाले? इनके परिवार को भी इज्जत प्यारी है। क्या कह रहे हैं वो भी नहीं मान रहे। आपने शादी कब की? 17 नवंबर को। अच्छा, कहाँ की? बुद्धेश्वर मंदिर में। अब आप अपनी जिंदगी का क्या इरादा, कैसे काटेंगे आप लोग? हम दोनों अलग रहना चाहते हैं, अकेले किराए पर रह।